वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है हिनानीस। पहले हम चलते हैं हिनानीस की तरफ। हिना, आज वैसे आपकी रेसिपी क्या है? आज जो मेरी रेसिपी है वो इस वक्त की, कहते हैं ना कि करंट सिचुएशन के लिहाज से आजकल वायरल फ्लू इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, पोल्यूशन की वजह से अब वेदर दोबारा चेंज हो रहा है ना, मैं थोड़ा सा इस रेसिपी को ये डिफाइन कर देती हूँ कि ये जो हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं और इस डर से कि हमने दो दिन खाई, अच्छा हम ठीक होने लगते हैं, तीसरे दिन हमने छोड़ दी। पहली तो बात है कि अगर एंटीबायोटिक का कोर्स लिया है तो उसको ऑड नंबर्स में 3, 5, 7 डेज तक आपने कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं छोड़ना, सिम्टम्स ख़त्म हो जाएं जब भी आपने उस डोज को कंप्लीट करना है। अच्छा, आज की रेसिपी के मैं इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं गिलोय लूँगी, 2 टेबल स्पून गिलोय का पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर, फ्रेश जिंजर, इसको चॉप कर लें, ये भी 3 से 4 इंच का आपने पेस्ट लेना है। ये है मेरे पास थोड़ा सा विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर, 1/4 कप मैंने कहा था आपको, मैंने 1/4 कप ऑलिव ऑयल कहा था, एंड 1/4 कप ऑफ हनी, 1 होल लेमन आपने चॉप कर लिया, पूरा छिलके समेत डालना है, सीड्स हटा देंगे, छिलके समेत डालना है इसको। आप थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि ये इजीली एक पेस्ट बन जाए, इसको लिक्विड नहीं बनाना, जूस नहीं बनाना हमने। 1/4 कप आपने पानी डाला है इसमें जी। अब ये बन गया एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट। आप इसको अपने मेसन जार में निकाल के, एयर टाइट किसी भी जार में, उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसको, ये वाटर है, आप इसमें देख रहे हैं 20 ml ही वाटर होगा, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना? अब इसमें तकरीबन 20 ml ये डालेंगे। कैसे डालेंगे? 2 बड़े टेबल स्पून, ये मेरे पास छोटा टी स्पून था तो मैं 4 डाल दूँगी, 2 बड़े टेबल स्पून आप इसमें डालेंगे। 20 ml आपने ये पेस्ट डाला, ठीक है ना, 20 ml वाटर लिया, अब ये इतना सा बन गया, ठीक है? ये आपने दिन में 4 दफ़ा पीना है उन लोगों को कि जिनको ऑलरेडी फीवर आ रहा है या सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं, 3 दफ़ा से स्टार्ट करें, नेक्स्ट डे से आप 4 दफ़ा, उससे नेक्स्ट डे 4 दफ़ा करें, 3 दिन में आपको किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होगी, और आप ये पीने से आपका फीवर, आपका सोर थ्रोट, आपकी खांसी सब ठीक हो जाएगा बगैर एंटीबायोटिक के। आपने 4 से 5 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेना है, उसको छोटा छोटा चॉप कर लेना है, 4 से 5 इंच का आपने हल्दी का, फ्रेश हल्दी का टुकड़ा ले लेना है, उसको चॉप कर लेना है, इसके साथ 1 लेमन ले लेना है, फुल लेमन, सीड्स हटानी है, उसको छोटा छोटा सा चॉप कर लेना है, 1/4 कप आपके पास एप्पल साइडर विनेगर होना चाहिए, 1/4 कप आपके पास ऑलिव ऑयल होना चाहिए, और 1/4 कप आपके पास हनी होना चाहिए, 2 टेबल स्पून गिलोय का पाउडर होना चाहिए, और 1/4 कप वाटर होना चाहिए। इन सबको ब्लेंडर में डालेंगे, ब्लेंड करेंगे, और इसको इस तरह, मेसन जार है तो मेसन जार में स्टोर करें, लिड लगाएं। फिर क्या करना है कि 2 बड़े टेबल स्पून 20 ml वाटर में डालना है, इसको डाइल्यूट करना है, और दिन में 1 दफ़ा वो लोग पियेंगे जिनको कोई एज सच बुखार या इन्फेक्शन नहीं है, और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, और दिन में 4 दफ़ा वो लोग पियेंगे जिनको ऑलरेडी वायरस ने अटैक कर दिया है और वो चाहते हैं कि उनका वायरस जल्दी जल्दी ठीक हो जाए बगैर एंटीबायोटिक खाए हुए, वो दिन में 4 दफ़ा इस क्वान्टिटी में इस्तेमाल करेंगे।